हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो का टॉपिक है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर एंड वी विल नो अबाउट नेचर ऑफ डिमांड कर्व एवरेज रिवेन्यू कर एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर ऑफ अ मोनोपोलिस फॉर्म सो फर्स्टली व्हाट इज मोनोपोली मोनोपोली इज अप ऑफ टू वर्ड्स मोनो एंड पोली मोनो मीन्स सिंगल और वन पोली मीन्स सेलर तो मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे देर इज ओनली वन फर्म इज़ सोल प्रोड्यूसर सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विच एज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट तो ये डेफिनेशन से जो मेन तीन फीचर्स निकल के आते हैं मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के वो हैं देर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक प्रोड्यूसर है एक ही फर्म है जो प्रोडक्ट को बना रही है और बेच रही है तो जो फर्म है और इंडस्ट्री है वन एंड द सेम है और इस केस में जो फर्म है इट इज़ प्राइस मेकर जैसे परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस चेकर होती है पर मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म है वो प्राइस मेकर है सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है देआर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट जो मोनोपोली uh, फर्म है उसके वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो जो प्रोडक्ट बेच रही है उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि अगर कोई क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल होगा तो इसका मतलब क्या है उनके बीच में कंपटीशन होगा और अगर कंपटीशन है तो वो मोनोपोली नहीं होगी तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है एबसेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन तो uh, अगर आप के पास जैसे अगर टूथपेस्ट है कोलगेट टूथपेस्ट है कोलगेट के बहुत सारे सब्सिट्यूट्स मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के साथ अवेलेबल हैं तो उनके बीच में कंपटीशन है तो यहाँ पे मोनोपोली नहीं है तो मोनोपोली का मतलब क्या है क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है इट इज़ एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू द एंट्री इन टू द इंडस्ट्री जो सिंगल uh, फॉर्म यहाँ पे काम कर रही है तो उसके कारण जो दूसरी फॉर्म्स हैं वो मार्केट में या इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती हैं क्योंकि एक ही फॉर्म है जिसका सोल कंट्रोल है ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी जो कई सारे बैरियर्स हैं जो बाक़ी दूसरी फॉर्म्स को इंडस्ट्री में आने से रोकती हैं दे मे बी ऑफ इकोनॉमिक इन नेचर और इंस्टीट्यूशनल एंड आर्टिफिशियल ऑफ़ इंस्टीट्यूशनल एंड आर्टिफिशियल नेचर तो मोनोपोली में बैरियर्स इतने इस्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो फॉर्म है ऑलरेडी इंडस्ट्री में उसके अलावा नई फॉर्म्स मार्केट में एंटर नहीं कर सकती हैं देन कम्स डिमांड कर एवरेज रिवेन्यू कर एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर ऑफ अ मोनोपोलिस फॉर्म Uh, जैसा हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था तो वहाँ क्या था कि जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है पर जो इंडिविजुअल फार्म है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म है उसका डिमांड कर्व हॉरिजनटल स्ट्रेट लाइन होता है पर इन केस ऑफ मोनोपोली वन फॉर्म वन फार्म कॉन्स्टिट्यूट द होल इंडस्ट्री देयरफॉर द एंटायर डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स फॉर अ प्रोडक्ट फेसिस द मोनोपोलिस्ट अब ये हमें पता है कि एक कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व होता है किसी प्रोडक्ट के लिए दैट स्लोप्स डाउनवर्ड तो जो मोनोपोलीस फार्म है उसका जो डिमांड कर्व होगा वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और मोनोपोली के केस में क्या होता है कि वह उसका अपने प्राइस पे या आउटपुट पे जो क्वांटिटी है उस पर पूरा कंट्रोल है पर उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन चुनना होता है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके क्योंकि अगर वो प्राइसेस बहुत बढ़ा देगा तो उसके सेल्स कम हो सकते हैं ठीक है ठीके? और अगर प्राइसेस कम कर देगा तो सेल्स तो बढ़ेंगी पर प्रॉफ़िट मार्जिन्स कम होते हैं तो उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये वो होती है कि टू चूज़ द प्राइस क्वान्टिटी कॉम्बिनेशन विच इज़ ऑप्टिमम फॉर हिम और विच प्रोड्यूस हिम मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स अब जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ऑब्वियसली जो एवरेज रिवेन्यू कर है क्योंकि एवरेज रिवेन्यू कर एवरेज रिवेन्यू और प्राइस बराबर होते हैं तो जो एवरेज रिवेन्यू कर होगा मोनोपोलिस फॉर्म का वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा दैट विल स्लोप डाउनवर्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ जब एवरेज रिवेन्यू कर्व या मार्जिनल रिवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो हमेशा प्राइस से कम होती है तो उस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा दैट विल लाई बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व यहाँ हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट uh, फर्म है उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है या वही उसका डिमांड कर्व है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग चूंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है तो प्राइस जो मार्जिनल रिवेन्यू है दैट विल ऑलवेज लेस देन प्राइस तो जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है दैट विल लाई बिलो द एवरेज रिवेन्यू कर्व एक बात ध्यान रखनी स्टूडेंट्स की जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो वाई एक्सिस और एवरेज रिवेन्यू कर्व को के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अब एक और चीज़ यहाँ पे कि जो मोनोपोलिस्ट फॉर्म का जो डिमांड कर है है केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी है दैट इज़ लेस देन वन मतलब क्योंकि क्या है कि अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस में चेंज करेगा तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा पर उतना चेंज नहीं आएगा जितना वो प्राइस में चेंज कर रहा है अगर प्राइस बढ़ा देगा तो डिमांड कम तो होगी पर उतनी नहीं होगी जितनी आ, हाई उसने प्राइस किए क्योंकि उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बनाने वाला उस कमोडिटी को बनाने वाली सिर्फ एक सिंगल फॉर्म मार्केट में है तो इस मोनोपोलिस uh, फॉर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है जहाँ पे जो इलास्टिसिटी है दैट इज लेस देन वन सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर Demand curve, average revenue, and marginal revenue curve of a monopolist firm. So, thank you for watching. Please like, share, and subscribe the channel.